आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार की रायबरेली इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद की 158वें जयंती मिशन की मंशा के अनुरूप सेवा संकल्प दिवस में रूप में मनाया गया, जिसमें सुबह होटल JVR में विवेकानंद जी की जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। रात्रि में मिशन के द्वारा सुपरमार्केट स्थित ओम शिव शक्ति मानव सेवा मंडल द्वारा संचालित दैनिक भंडारे में गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों को भोजन एवं 251 लोगों को कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर संयोजक अखंड प्रताप सिंह, अवध प्रांत युवा इकाई प्रभारी शिवम सिंह, रायबरेली सह संयोजक रणविजय सिंह चौहान, बीजेपी नेता दिलीप यादव, शिवेंद्र सिंह, संरक्षक महेंद्र अग्रवाल, सेवादार दिलीप बाधवानी, राजू अग्रवाल, गंगेश चौरसिया, विशाल, नीतीश मौर्य, गौरव मिश्रा, शिवशंकर, आनंद सिंह, देवेंद्र अवस्थी रहे। इस अवसर पर लोगों को मिशन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया। लोगों ने मिशन के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। S7 की टेस्ट रिपोर्ट। मेरा नाम रणविजय सिंह है। मैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार रायबरेली इकाई का सह संयोजक हूँ। जैसा कि युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी हमारे प्रतिवर्ष हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे मिशन विवेकानंद जयंती को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इस दिन संगोष्ठी करते हुए सायंकाल में गरीब एवं निराश्रितों को भोजन वितरित किया था एवं कंबल वितरित किया था। उसी कड़ी में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि उसी कड़ी को हम निरंतर कायम रखते हुए आज यहां पर पूरी हमारी इकाई, जिसमें कि हमारे अवध प्रभारी जी, युवा इकाई के श्री शिवम सिंह जी, हमारे संयोजक श्री अखंड जी, शिवेंद्र सिंह जी एवं हमारे संरक्षक जितने भी मिशन के हैं, वो सभी लोग यहां पर हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे मिशन ने रजत जयंती वर्ष मना रहा है, क्योंकि हमारे मिशन के स्थापना के 25 वर्ष हो चुके हैं और इसको हम रजत जयंती वर्ष के रूप में बना रहे हैं। अभी करोना और श्रद्धे आशीष भैया, जो कि हमारे मिशन के संस्थापक हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।